Good morning, student. Today topic sketching. Okay, sketching के थोड़े से rules है, जैसे ये body के rules होते हैं 7.5, वैसे ही आपको ध्यान में रखना sketching करने के time कि proportion हमारा right हो, right? First हम फेस से स्टार्ट करेंगे, फेस हमारा 1 सर्कल, वैसे ही हमारा 7.5, ऐसे पार्ट डिवाइड करने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं स्केचिंग। प्रोपोर्शन की स्टडी की होगी तो आपको याद होगा कौन से सर्कल में कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। फर्स्ट सर्कल में फेस, ऐसे ही धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ओके, वी कंटिन्यू। आपको ड्राइंग अच्छे तरह सीखना है तो आपको स्केचिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्केचिंग से ही आपका ड्राइंग इम्प्रूवमेंट होगा। आप डेली 25-30 स्केचेस करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ड्राइंग बेस्ट होता जाएगा। ओके, घर पे भी आप स्केचिंग कर पाते हो, घर पे जो भी चीज़ पड़ी आपके सामने, कम से कम ग्लास पड़ा ग्लास का भी आप स्केच कर सकते हो, बुक पढ़िए तो बुक का आप चेक करो कि कैसे उल्टे हैं पत्ते हैं, उसके लिए लाइट हो रही का डार्क को स्केच करो, कोई भी चीज़ हो। ओके, घर पे पॉट हो, टीवी हो, दरवाज़ा हो, विंडो हो, कुछ भी चीज़ पड़ी आप उसका ऑब्जर्वेशन करके उसका स्केच करना है। उससे क्या होगा, स्केचिंग से आपकी मेमोरी भी शार्प हो रही और आपका ड्राइंग भी बहुत अच्छा होगा। ओके, तो स्केचिंग ड्राइंग के लिए बेस्ट वे है कि सीखने का। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा फिगर जो हम ड्रॉ कर रहे हो उस स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन में है या हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो ये हमारा जो ड्राइंग किया थोड़ा सा क्रॉस है तो हमें वर्टिकल लाइन करनी है, सीधी लाइन, यहाँ से हम थोड़ा इरेज करके
लेफ्ट साइड थोड़ा ड्रॉ करेंगे, राइट। अब रफ ड्रॉ होने के बाद सेकेंड स्टेप थोड़ी सी डिटेलिंग, हेयर से स्टार्ट करते हैं, हेयर, ईयर, आईज, नोज, लिप्स एंड फिर नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कहाँ से शोल्डर स्टार्ट हो रहा है, शर्ट की क्रीज कैसी है, क्लोथ स्टडी करनी है, क्लोथ की क्रीज कैसी है, कहाँ से फोल्ड हो रहा है, कहाँ डार्क हो रहा है, शर्ट में भी आप क्रीज देख सकते हो। तो आप क्लोथ की डिफरेंट टाइप के जो शेप है, जैसे कि रुमाल कोई शर्ट हो, टी शर्ट हो, पैंट हो, जीन्स का पैंट हो, वो सब सामने रख कर अब उसका स्केचिंग करोगे या स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्लोथ की अलग अलग पैटर्न होती है। ओके, सिल्क जैसे है, सिल्क अलग होता है, मखमल कॉटन के अलग होते हैं। ओके, तो आप थोड़ा स्टडी करना क्लोथ।
अब हमारा ड्राइंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब डार्क पेंसिल से, चारकोल पेंसिल है मेरे पास, तो उससे फाइनल टच देते हैं। उससे क्या होगा, आपको शूट अच्छी तरह, ये वीडियो में अच्छी तरह दिखाई दे। वो लाइट लग रहा था, लेकिन ये जेरोक्स जैसे जैसे राइट साइड है वैसे ही सेम डार्कनेस आ जाएगी। ओके, तो यहाँ डार्क है वहाँ डार्क देना है, और लाइट है वहाँ लाइट छोड़नी है।
पे ये लेक के नीचे, पैर के नीचे पत्थर है, तो पत्थर को थोड़ी स्टोन जैसी फिर देते थे, डार्क कर देते। सेकेंड ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये जो बल हाथ में रुमाल पकड़ के ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है वो, ओके, बॉय कट हेयर और कपड़े भी कुर्ता और अलग टाइप का पहना है। Thank you.
डार्क पेंसिल से डार्क मेस जहाँ से यहाँ है वहाँ देगी तुम्हारा ड्राइंग और बेटर लगेगा। आप जब भी स्केचिंग करो तो आप डार्क पेंसिल ही यूज़ करो, लाइट पेंसिल से इतनी इफेक्ट नहीं आती जो हमें चाहिए हो। हम क्या करते थे, मैं जब कॉलेज में था मेरे फ्रेंड सब तो डेली हम स्केचिंग करते थे। हमारे सर ने कहा था कि आपको 25 स्केचिंग डेली लाने हैं, तो हम सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टेशन पे चले जाते, कोई भी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहे लोगों की वहीं पे ड्राइंग करने बैठ जाते थे। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप घर पे ही बैठकर या बस में स्कूल में कहीं भी स्केचिंग कर सकते हो।
ओके, ये दोनों फिगर हमारे ड्राइंग कंप्लीट हो गए। ओके, ये दोनों आपको प्लेन बुक में ड्रॉ करना है और नेक्स्ट पेज का आपको ड्रॉ करना है, लेकिन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ।